जो चीज़ें इस वक्त हमारे देश में हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। रतन टाटा न सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं बल्कि उन्होंने इस देश की पूरी इकोनॉमी को अकेले संभाल रखा था। और ऐसे में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उनके निधन पर ना कोई शोक व्यक्त किया है और ना ही कोई ऐसा पोस्ट किया है। बावजूद इसके अमिताभ बच्चन ने रतन टाटा के निधन की खबर जब वायरल हुई उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद अपना एक पोस्ट रिवील किया और उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है टाइम टू टेक ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रतन टाटा जैसे दिग्गज इंसान इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं? दोस्तों इस वक्त जो है अमिताभ बच्चन के ऊपर उनके खुद के फैंस भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। रतन टाटा न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिससे पूरा देश प्यार करता है। हम सभी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी अपने को खो दिया है। तो क्या ये एहसास अमिताभ बच्चन को नहीं होता? क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन रतन टाटा से मिल चुके हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन को लगता है कि रतन टाटा यूं ही वेस्ट थे और उनके इस दुनिया में होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पर हम सभी अमिताभ बच्चन को एक चीज कहना चाहेंगे कि भले ही रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हों पर वो हमेशा ही हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आपकी श्रद्धांजलि से वैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर एक शख्स सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े आइडियल के पोस्ट के जरिए हमें ये जाहिर नहीं हो रहा है कि हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन का निधन हो चुका है। दोस्तों हम सभी दिल लगाकर और प्यार से रतन टाटा के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे और कमेंट में ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। रतन टाटा के फैंस खास तौर पर हम जैसे लोग आज से ही अमिताभ बच्चन को बॉयकॉट करना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट और साथ ही बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट को सबसे पहले देखने और जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।